वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। मेरे पास रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट और क्वेरी बोली है कि मैम हमें ये बता दीजिए कि लॉन्ग आंसर याद कैसे होगा। इसका डाउट पूरा एकदम फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी, छोटी वीडियो बनाऊंगी दोस्तों आपके लिए, जिसके लिए एंड तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी उसको फॉलो करके देखिए। अगर आप लोग एग्जाम से 1 वीक पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 1 दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपके 95+ भी स्कोर आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके नंबर अगर इस बातों को गौर करने के बाद या फिर इस पॉइंट्स को आप लोग अगर फॉलो करते हैं और नंबर स्कोर अच्छे आते हैं तो आप बाद में इस वीडियो पर आके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डेली 6 o'clock बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, इसका थंबनेल मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है। बाकी कोई डाउट या कमेंट हो तो आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका ऑप्शन आपको रीड करना है। लर्न करने का ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, लर्न करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको स्किप करना होगा। कभी भी हम किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते, कर लेंगे तो सिर्फ कुछ ही टाइम हमें वो याद रहेगी। तो उसका बेस्ट ऑप्शन आप लोगों का ये है कि हम उस चीज़ को ही अपने एक इतने शॉर्ट टर्म में फॉलो कर लेते हैं कि हम उसे याद करना आसान हो। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को कुछ रीड करना है, मैं यहाँ कुछ इमेज लगाती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, ठीक है। इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको इसे पढ़ना है तो आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अगर मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ना है, आपने इस चीज़ को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लिया, राइट। इसको रीड करने के बाद अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि इसे सेकेंड टाइम रीड करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आप करेंगे, तो सेकेंड टाइम में काफ़ी स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट इसे ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ हम लोग तो ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो हम उसे एकदम फटाफट पढ़ के छोड़ देते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। यानी आप उसे पढ़ते तो हैं बट उसे समझते नहीं हैं। जब हम किसी चीज़ को अच्छे से समझते नहीं हैं दोस्तों तो हमें कोई चीज़ याद करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले स्टेप आपको ये करना है कि जो भी चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोली जा रही है या फिर कोई भी लॉन्ग आंसर आप याद करने बैठे हैं, सबसे पहला स्टेप उसका यही होता है कि आप लोगों को क्या करना है, उस चीज़ को आपको अच्छे से रीड करना है, हो सके तो 2 या 3 बार आपको रीड करना ही है। आपने सुना होगा कि अगर हम कोई चीज़ को बार 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 करते हैं तो हमें अच्छे से मेमोराइज रहती है, हमारे ब्रेन में उसे बहुत अच्छे से फिट रहता है, हम उसे बाद में याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद आ ही जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँगी कि हाँ इस यूनिट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग मेरी बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और आप लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इसका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन जो मैंने बताए, प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेकआउट कीजिएगा। आपको क्या करना है, उस टॉपिक को आपको लिखना है, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है सबसे पहले उसे हिंदी में उसे एक बार जान लेना है। हिंदी में आपको याद करने का फायदा ये है दोस्तों कि जब आपको उसकी स्टोरी पता होगी या फिर उसके बारे में पता होगा तब आप इजिली उसे कर पाएंगे। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसे नहीं कर सकते। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोल दिया है कि आप लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से करना है तो आपके मन में ये होना चाहिए कि पहले आप पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में हिंदी में अच्छे से जान लें, उसको बाद में आपको क्या करना है अपने लैंग्वेज में बनाना है। सेकेंड सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, कोई भी टॉपिक करने से पहले आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर को ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर हम अपना सिलेबस को उठाते हैं हमें नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं तो आपको क्या करना है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपलोड किए हुए हैं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख लिए, अब आती है इसकी बारी कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख लिया, अब आप उसको एक टॉपिक को उठाइए और उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उसे लिख लीजिए। कोशिश कीजिएगा जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पॉइंट में अच्छे से याद कर सकते हैं और कुछ होते हैं पैराग्राफ। आप लोग एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पॉइंट में ही लिखेंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसे पैराग्राफ में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक टर्म यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आप लोगों को याद कैसे होगा, आप उन पैराग्राफ को जो लिखेंगे उन्हें छोटा छोटा करके अपने में उसमें कीवर्ड को यहाँ पे कैरी कर लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आप उसका स्टोरी बना सकते हैं, आप उसे 1 वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
लाइक अगर आपके यहाँ पे 5 तरीके की कोई भी विशेषता या फिर करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, तो आपको क्या करना है कि वो 5 करेक्टरिस्टिक्स के पहले वर्ड जो है उसे मिला के एक नया वर्ड आप इन्वेंशन कर सकते हैं, जिसे आपको क्या होगा कि उस 5 के अंदर, पहले तो आप जब एग्जाम में लिखने जाएंगे कि इसकी 5 तरीके की विशेषताएं होती हैं या 5 फीचर या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उस कीवर्ड जो आपने एक एक सिंगल वर्ड से एक न्यू कीवर्ड बनाया था, तो पहले तो वो 5ों वर्ड आपको इजीली याद हो जाएंगे, पहले अच्छी बात है। दूसरा क्या होगा कि उसके अंदर जो आपने हिंदी में पढ़ा था, जो मैंने आपको पहले में बोला था कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको आपको पहले हिंदी में जान लेना, यूट्यूब पे काफी वीडियो है, जो भी आपको टॉपिक नहीं आता आप उसके बारे में जानिए, पहले उसका हिंदी वर्जन आपके माइंड में होना चाहिए। हिंदी वर्जन का मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पहले एकदम अच्छे से आ जाए, एंड देन आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आने लगती है। तो आप कीवर्ड्स उठा लेंगे तो आप क्या कर सकते हो, पहले अच्छी फीचर ये होगा कि आप उन 5 करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से लिख लेंगे, एंड देन उसके अंदर क्या है जो आपने अपने कहानी की तरह से याद करा हुआ है या फिर उसके जो भी पॉइंट आउट लिखे उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका लॉन्ग आंसर याद करने का यही है कि आप उसे पॉइंट्स में बनाइए, उसे रिपीट कर करके पढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप उसे जितना हो सके शॉर्ट करते जाइए। आप चीज़ों को जितना छोटा करते जाएंगे और बाद में जब भी आप फ्री टाइम में कहीं पर भी हो, विदाउट बुक यानी बुक ओपन नहीं होनी चाहिए, और फिर आप कहीं बैठे हो आपको याद आ रहा है यार मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो आपको मेमोराइज भी करना है, यानी कि उस चीज़ को रिकॉल करना कि इस चीज़ में ये 5 पॉइंट थे, क्या मुझे वो याद है। अगर आपको याद नहीं है तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आपको वापस जाइए जहाँ पर आपने उसे रेडी किया उसे पढ़िए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। तो इस छोटे से वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सबका अपना तरीका होता है। लॉन्ग आंसर याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे पहले अच्छे से समझ सकते हैं इस टॉपिक को, उसे पॉइंट और पैराग्राफ में बनाइए, और जितना हो सके आप उसे रिकॉल करिए। सबसे बड़ी बात कि जो टॉपिक आप पढ़ने बैठे हैं उसका पास्ट ईयर पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं पहले वो एक जगह लिख लीजिए, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, बस आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, इतनी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरफ लिख लीजिए, और अच्छी बात है मैंने यूनिट वाइज बताया, तो अगर आप यूनिट 1 पढ़ने बैठे हैं तो आपको क्या करना है, यूनिट 1 में देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आप उस टॉपिक को जब पढ़ने बैठते हैं तो उसके अंदर क्या क्या पूछा गया है, एंड देन आप उसके बारे में जान लीजिए और अपने वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। लॉन्ग आंसर आप 1 क्या 5 क्या आप आराम से 6 पेज भी कर सकते हैं। बाकी पेपर में किस तरीके से लिखना, उसकी एक वीडियो डाल रखी है, उसका थंबनेल मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ दोस्तों, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल करेगी। मैं आपसे इतना जरूर बोलूंगी कि एक बारी इस पे क्लिक करिए इस वीडियो पे, और जाके देख कर जरूर आइएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बीएड में आपको किस तरीके से लिखना है, मैंने पूरा नोट्स के साथ उसमें डेमो दिया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जब भी लिखें उसमें हाईलाइट करना बहुत है। अगर आप वर्ड्स को जो कैप्चर करते हैं, जो चीज़ आप अलग से उसे लिखते हैं, तो अगर वो हेडिंग आपको वर्ड्स याद रहेंगे तो आप एग्जाम में उसको आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे लाई जाए, या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है कि इस पर भी आपको कन्फ्यूजन है मैम, ये वीडियो भी आप बना दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, जिस पे ज़्यादा कमेंट आएगा उसी पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।